नमस्ते दोस्तों, चमत्कारी टोटके में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपको मैं बताने जा रहा हूं तुलसी विवाह महत्व और पूजा विधि। इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि आपने हमारे YouTube चैनल चमत्कारी टोटके को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तु शास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसे आप उपयोग कर अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सकते हैं। जी हाँ, यह तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष 11 के दिन किया जाता है, लेकिन कई लोग इसे द्वादशी अर्थात देव उठनी एकादशी के अगले दिन करते हैं। तुलसी विवाह के लिए पूजन सामग्री। तुलसी पूजा के लिए गन्ना यानी ईख, विवाह मंडप की सामग्री, सुहागन स्त्री की संपूर्ण सामग्री, तुलसी पूजा के लिए विष्णु देवता की प्रतिमा, फूल फल फूलों की माला, हल्दी कुमकुम चंदन पाउडर, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी लौंग इलायची, तुलसी मंजरी, पांच मेवा, बेलपत्र शमी पत्र एवं तुलसी, कलश के लिए लोटा, वस्त्र चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए आसन, प्रसाद पंचामृत, इसके लिए घी दही शक्कर दूध शहद। तो मित्रों, आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजन विधि के बारे में। तुलसी जी के विवाह हेतु माँ तुलसी के पौधे के गमले को गेरू से सजाना चाहिए। गमले के चारों ओर ईख यानी गन्ने का मंडप बनाकर गमले के ऊपर ओढ़नी या सुहाग की प्रतीक चुनरी उड़ाई जाती है। उसके बाद गमले को साड़ी में लपेटकर तुलसी जी को चूड़ी पहनाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। पूजन श्री गणेश जी की वंदना के साथ प्रारंभ करके सभी देवी देवताओं का तथा श्री शालिग्राम जी का विविध पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय तुलसी मंत्र तुलसिया नमः का जाप करें। इसके बाद एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी के साथ परिक्रमा करें। आरती के पश्चात विवाह उत्सव पूर्ण किया जाता है। विवाह में जो सभी रीति रिवाज होते हैं उसी तरह तुलसी विवाह के सभी कार्य किए जाते हैं। विवाह से संबंधित मंगल गीत भी गाए जाते हैं। तुलसी पूजा करने के कई विधान शास्त्रों में वर्णित है। उनमें से गृहस्थों के लिए तुलसी नामाष्टक का पाठ करने का विधान है। तुलसी विवाह के समय एवं प्रतिदिन कार्तिक मास में तुलसी नामाष्टक का पाठ विशेष लाभदायक रहता है। जो व्यक्ति तुलसी नामाष्टक का नियमित पाठ करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। मित्रों, अब मैं आपको तुलसी विवाह कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह उत्सव भी मनाया जाता है। इसके संदर्भ में कथा यह है कि एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु जी की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वे बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्रता स्त्री थी। सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सब ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि
वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं इसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन हैं? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी भी रोने लगीं और प्रार्थना करने लगे। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गईं। उनकी राख से एक पौधा निकला। जब भगवान विष्णु ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे मित्रों तुलसी विवाह कथा एवं पूजा विधि। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तु शास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे, जिन्हें आप उपयोग कर अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सकते हैं। जी हाँ, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।